शुरू हुई राघव परिणीति के शुभ विवाह की तैयारियां, मंगनी के बाद अब शाही अंदाज में बजेंगी शादी की शहनाइयां। तो सात फेरे लेने के बाद हनीमून की प्लानिंग भी कर चुकी है होने वाली दुल्हनिया। जी हाँ, बॉलीवुड के न्यूली एंगेज्ड कपल एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने जब से सगाई कर अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया है, तभी से हर जगह सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के ही चर्चे हो रहे हैं। जहां एक और इनके एंगेजमेंट सेरेमनी की इनसाइड तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो अब होने वाली दुल्हनिया भी दिल्ली में अपना दिल छोड़ मुंबई लौट आई है। अब राजनीति की जोड़ी ने सगाई तो कर ही ली है, वहीं अब फैंस को इन दोनों के साथ फेरे लेने का भी इंतजार होने लगा है। इसी बीच G24 आपके लिए लेकर आया है वो खास अपडेट, जिसे सुन आप भी खूब खुश होने वाले हैं। भाई आखिर हमारे इस रिपोर्ट में हम आपको परिणीति और राघव की शादी से लेकर हनीमून डेस्टिनेशन तक की डिटेल्स जो देने जा रहे हैं। 13 मई को एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाने वाले राघव और परिणीति इस समय बेहद खुश हैं। दोनों ने एंगेजमेंट के बाद अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया के जरिए भी किया और फैंस को थैंक यू भी कहा। इसी बीच अब परिणीति राघव की शादी को लेकर ऐसी चर्चा है कि ये जोड़ी इस साल के अंत तक शादी कर सकती है। जहां तक माना जा रहा है कि उसके मुताबिक अक्टूबर के महीने में परिणीति और राघव शादी कर सकते हैं। दोनों सगाई की तरह शादी को इंटीमेट नहीं रखेंगे, बल्कि ये जोड़ी शाही अंदाज में 7 जन्मों के बंधन में बंधेगी, जिसके लिए ये दिल्ली या राजस्थान में से किसी एक जगह को फाइनल करेंगे। शादी भले ही दोनों शाही करेंगे, लेकिन मेहमानों को यहाँ भी काफी खास ही रखा जाएगा। परी राघव की वेडिंग लिस्ट में करीबियों के साथ साथ खास दोस्तों का नाम ही शामिल होगा। हालांकि अभी तक इस जोड़ी की शादी की डेट्स पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आया है, लेकिन अगर वाकई परी और राघव अक्टूबर में शादी करते हैं तो ये अपने आप में एक स्पेशल ओकेजन होगा, क्योंकि भाई परिणीति जहाँ एक और ब्राइड बनेंगी तो इसी महीने में उनका जन्मदिन भी आएगा। ना सिर्फ शादी बल्कि कुछ रिपोर्ट्स में परिणीति और राघव की शादी के बाद हनीमून डेस्टिनेशन को लेकर भी डिटेल्स दी गई हैं, जिसके मुताबिक ये कपल ग्रीस या मालदीव्स में हनीमून मनाने के लिए जा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि इस बारे में अभी कुछ भी ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं हुआ है। ऐसे में ये तो वक्त ही बताएगा कि परी और राघव अपने हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे, क्योंकि फिलहाल तो फैंस को सिर्फ परिणीति को दुल्हन और राघव को दूल्हे के रूप में देखने का बेसब्री से इंतजार है। हर किसी की यही चाहत है कि सगाई के बाद अब परिणीति और राघव चड्ढा के घर जल्द ही शादी की शहनाई गूंज उठे। वैसे इन दोनों की शादी की तारीख भले ही सामने नहीं आई है, लेकिन फैंस के मन में परिणीति के घर पर राघव की बारात आने के अरमान जरूर आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।